18 से 20 हज़ार भी कमा लेगा, और नहीं कर रहा है तो वो 10 हज़ार भी अटक जाएगा। दया जैसे 10th 12th वाला है उसको असेंबली में बैठाएंगे। हेलो जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई नौकरी, एक नई वैकेंसी, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी नोएडा के अंदर जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की ज़रूरत है और जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हमारे चैनल से आप जुड़े। 100% जॉब देने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे चैनल की है। तो अभी इस समय हम नोएडा के सरजमी पे हैं और आज हम आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी, एक नई नौकरी बताने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ फ्री है, 100% फ्री हो। किसी प्रकार से आपको किसी को पैसा नहीं देना है, बस ज्वाइन करना है और जॉब करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद फिर से हमारे चैनल को विजिट करना है और अच्छी जॉब करनी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एज ए रिक्रूटर हैं, जो कि बंदों को काम, जॉब देने का काम ही कर रहे हैं। तो इनसे हम प्रॉपर बात करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया सर। सबसे पहले सर आपका नाम? शिव कुमार गुप्ता सर। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के सर। प्रॉपर गोरखपुर? हाँ जी। अपने कंपनी का फर्म सर अरविंद इंटरप्राइजेज। कितनी पुरानी फर्म सर? 6 से 7 साल पुरानी है। 6 से 7 साल? हाँ जी। तो कितनी कंपनी ऑलमोस्ट इनके पास है? ऑलमोस्ट सर 8 से 10 कंपनियाँ हैं। ठीक है। तो अभी हायरिंग किस में चल रही है, ओपनिंग किस में है? सर अभी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जेटाउन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हायरिंग चल रही है सर। तो इसमें क्या वर्क क्या होता है सर? स्मार्ट वॉच, बर्ड्स, फ़ोन वगैरह बनते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है हमारी? जी सर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो इसमें किस टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर जॉब कर सकते हैं? सर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है बच्चों का वो 10th होता है, और 10th 12th ITI डिप्लोमा कर सकते हैं सर। ठीक है, मतलब 10th 12th ITI एंड डिप्लोमा वाले बंदे कर सकते हैं? जी सर। तो इसमें बाकी और अदर फैसिलिटी क्या कंपनी देती है सर? सर कंपनी लंच देती है, 10 रुपये लंच का कटता है, और बाकी एसी कंपनी है, पूरी फुल एसी है। ऐसा नहीं है, बहुत सी कंपनियाँ होती हैं नॉन एसी होती हैं, ये फुल एसी है कंपनी है। जी ठीक है। तो ये जो जेटॉन, इसके टोटल कितने ब्रांच हैं नोएडा के अंदर? सर नोएडा के अंदर इसके 3 ब्रांच हैं। तो अभी किस ब्रांच में आप ज्वाइन कराओगे? सर जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा ब्रांच है B4, Sector 63 B4। जो जस्ट पीछे है? यस सर, लावा के जस्ट पीछे ही है। तो ये काफ़ी अच्छा जॉब होने वाला है। अगर आपने 10th 12th कर रखा हुआ, ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि इनसे हमने बातचीत किया, प्रॉपर बात करते हैं सैलरी को लेकर। क्या सैलरी मिलेगा, सैलरी का टाइम वगैरह क्या होता है, क्या सैलरी क्या मिल जाता है? सर स्टार्टिंग जो मेन सैलरी होती है 10th 12th ग्रेजुएशन वालों की 10,701 रुपये सैलरी है, प्लस 1,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड है, 50 रुपये नाइट अलाउंस है, 105 रुपये घंटे OT है, 10 रुपये कैंटीन का है, और यही ITI ITI के 11,772 रुपये हैं, प्लस अटेंडेंस अवार्ड और प्लस नाइट अलाउंस है, प्लस 110 रुपये घंटे OT है, प्लस क्वार्टरली अवार्ड जो होता है 3 महीने अगर बच्चा कंटिन्यू जॉब करता है तो उसे 3,000 रुपये अलग से इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। 3 महीने लगातार करता है वो, कंपनी अलग से फैसिलिटी दे रखी है। और अगर डिप्लोमा वालों की बात करें सर, डिप्लोमा वालों की है 13,186 रुपये, प्लस 1,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड, 50 रुपये नाइट का, 130 रुपये घंटे OT। तो उस हिसाब से क्या महीने की अर्निंग कर लेते हैं जो हमारे भाई काम कर रहे हैं या जो बाहर के बंदे आए हुए हैं जॉब कर रहे हैं आपके थ्रू, कितना महीने की अर्निंग कर लेते हैं? सर महीने का अर्निंग करने के ऊपर है, मैन पावर के ऊपर, काम करने के ऊपर है। अगर बच्चा काम कर रहा पूरे मंथ प्रॉपर तरीके से OT वगैरह लगा के, तो 18 से 20 हज़ार भी कमा लेगा, और नहीं कर रहा है तो वो 10 हज़ार भी अटक जाएगा। प्रॉपर OT पे होता है, डिपेंड ड्यूटी पे होता है सर। जी हाँ बिल्कुल। देखो यार, हम दूर दराज से निकलते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि दूर दराज से निकलते हैं तो भाई हम जॉब करने ही निकलते हैं और ड्यूटी करने ही निकलते हैं। तो इससे अच्छा अगर ड्यूटी आप नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा घर ही बैठो। देखो अगर कंपनी में हम काम करें तो पूरे 30 दिन ड्यूटी भी करेंगे। हाँ ठीक है, किसी दिन का प्रॉब्लम हो रही है तो भाई नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम गैप करेंगे, लीव करेंगे, तो भाई वो तो हमारा डिडक्शन होगा ना सैलरी। फिर जब सैलरी डिडक्शन होता है तो पेमेंट कम आएगा हमारा, तो पेमेंट कम आएगा तो आप बोलोगे कंपनी नोएडा अच्छी नहीं है, हमें सैलरी कम मिलती है, अब इसमें रहें या खाएँ या क्या करें। तो जैसा कि अगर बात करें तो क्या इसमें सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए? नितिन कुमार। कहाँ के रहने वाले? मोदी नगर। अच्छा, तो इसमें प्रोसेस क्या होने वाला है, जो कैंडिडेट आएंगे जॉब के लिए तो उनको जॉब कैसे दिया जाएगा, फुल प्रोसेस क्या होने वाला है? जॉब उनको पहले तो उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक लाइन पे बैठाया जाएगा, सबको ट्रायल कराया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा, जिसको नहीं आता उसको बताया जाएगा प्रोसेस कैसे क्या होता है। इसमें असेंबली से लेके पैकिंग तक सब काम होते हैं। असेंबली से पैकिंग तक? तो अभी हम किस डिपार्टमेंट में करेंगे प्रॉपर? प्रॉपर सर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो क्वालिफिकेशन बनता है, जैसे 10th 12th वाला है उसको असेंबली में बैठाएंगे, जो असेंबली में मतलब ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम नहीं होता है।
और जो मतलब ग्रेजुएशन बंदा है या पढ़ा लिखा ज़्यादा उसको पैकिंग में बैठाया जाता है, क्योंकि लेवल लेवल देखने होते हैं, सीरियल नंबर देखने होते हैं, स्कैनिंग वगैरह पे, तो उसके लिए पैकिंग है। टोटल आप फ्रेशर बंदे ले रहे हो या एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? फ्रेशर भी लेते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी लेते हैं, सबकी सैलरी एक अकॉर्डिंग अलग है। एज कितना चल जाएगा सर? एज इसमें होगा सर 18 से 32 तक। 18 से 32, लड़के लड़कियां दोनों के लिए? दोनों, मेल फीमेल दोनों। अंदर खाने का अगर बात करें तो टेस्ट कैसा है? क्योंकि देखो सब कुछ डिपेंड करता है खाने के ऊपर। बंदा पूरे दिन काम करता है, अगर दोपहर का जो लंच है ना वो ठीक ठाक मिल जाए, टेस्टी मिल जाए, तो बंदा रुक जाता है रियली। लंच के लिए सर हमने फीडबैक के लिए रखा हुआ है, जो भी बंदा खाएगा अपना फीडबैक दे के जाएगा, जो भी फीडबैक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आता है उस पर एक्शन लिया जाता है। अच्छा, मतलब ये है कि खाना ठीक रहता है? हाँ, खाना अच्छा रहता है। आप कितने बार खाए हो? मैं तो रोज़ खाता हूँ कैंटीन का ही, कंपनी में। आज खाना तो एक वीडियो बना के मुझे भेजना। बिल्कुल सर, और क्योंकि मैं ऐड कर सकूँ कि हाँ खाना क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, हर दिन अलग अलग खाना मिलता है, हर दिन की अलग डिश सर जी, क्योंकि बंदे बोर भी नहीं होंगे और प्रॉपर काम भी करेंगे। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ। अच्छा, इसमें लोकल कैंडिडेट तो नहीं आएंगे? लोकल कैंडिडेट सर 300 किलोमीटर लोकल कैंडिडेट आते नहीं है सर, क्योंकि लोकल के कंपनियों ने बैन कर रखा है। जी, कम से कम 300 किलोमीटर, कम से कम 300 किलोमीटर दूर के। रूम की क्या फैसिलिटी हो जाती है? रूम की फैसिलिटी ऐसी आती है सर, जैसे बच्चा आता है हमें कॉल वगैरह करेगा, मैसेज करेगा, हम नियर बाई कंपनी के नियर बाई उसे लोकेशन दे देते हैं, रूम प्रोवाइड करवा देते हैं, वो अपना स्टे करेगा, अपना वहाँ से ड्यूटी करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। रूम का क्या स्टार्टिंग हो जाता है सर? स्टार्टिंग जो रूम की है 3,000, 3,500, 4,000 जैसा रूम है, नॉर्मली रूम 3,000 से स्टार्ट हो जाता है, उसमें तीन से बंदे मिनिमम तीन बंदे रह सकते हैं। और रहना भी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग अगर बढ़ जाती है तो हमारा जो पर महीने का जो रूम रेंट का होता है वो भी कम हो जाता है, पर महीने का 1,000 से 1,500, 1,200, 1,400 रुपये तक ही आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई पार्टनर भी मिल जाता है हमारे को, और हमारे को जो है कि सपोर्ट भी हो जाता है, रियली बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सपोर्ट बंदे आएंगे वो आपके लिए लोगों से लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। अगर बंदे तीन रूम में रह रहे हैं ना, कभी कोई बात होती है तो भाई खड़े तो होते हैं, सपोर्ट तो होते हैं, उनके पता तो चलता है भाई रूम में हो क्या रहा ना, पता चला सिंगल बंदा है क्या हुआ क्या ना, किसी को पता ही नहीं चला, समझ रहे? तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है सभी को, और सबसे बड़ी बात है कि पैसे की भी बचत हो जाती है। अंदर का माहौल कैसा है सर, काम कैसा होता है, कोई टारगेट बेस या इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम? टारगेट सर पूरी लाइन को दिया जाता है, पूरी लाइन मिलकर उसको अचीव कर दिया, अगर अचीव नहीं भी होता है ना तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ट्रेनिंग देते हैं अचीव कैसे किया जाता है, जैसे सब चीज़ का टाइमिंग होता है करने का, जैसे भी तुम भी कुछ भी काम कर रहे हो तो टाइम होता है एक, तो बस वो ये टारगेट इसी चीज़ का कि भाई हमें ये काम करना है, करना है बस। नहीं, मैंने ये भी सुना है कि टारगेट अचीव नहीं होता तो सैलरी काट देते हैं, सैलरी नहीं देते होल्ड कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी कितने तारीख को अकाउंट में आती है? सैलरी 7 से 10 के बीच में अकाउंट में आपके आ जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जो कैंडिडेट आने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे? डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट होगी 10th 12th की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल और रिज्यूम। ठीक है, तो सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि भाई इनकी बातों को आपने सुना होगा तो फॉलो करें और इनको कॉल करें और आए तुरंत ही जॉब करें। इस जॉब के नाम पे अंकित कोई पैसा कोई चार्ज तो नहीं लिया जाएगा? नहीं सर, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो हमसे संपर्क करें, हम हमारी बात करवाएं, हमसे मिलवाएं, फिर हम उससे बात कर लेंगे क्या है। अच्छा, बंदे उसमें रुकते हैं? बिल्कुल रुकते हैं बंदे, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, 5-5 साल से काम कर रहे हैं बंदे, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं कि स्टार जेट टाउन में बंदे रुकते नहीं, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आप सभी ऑडियंस से कि यार बंदे अगर नहीं रुकते या कंपनी ठीक नहीं होती तो कंपनी कब की बंद हो जाती? कहीं ना कहीं देखो यार, कहीं ना कहीं कंपनी की गलती होती है तो कैंडिडेट की भी गलती होती है, मैनेजमेंट की भी गलती होती है, हम कंपनी को नहीं कह सकते, वहाँ के इन्वायरमेंट को भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए हम अगर हम गलत वीडियो बनाएंगे तो हम यूट्यूब को नहीं कह सकते ना, हम खुद को कह सकते हैं, कैंडिडेट हमें कहेगा कि ये जो है कि ये यूट्यूबर ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से पूरे चैनल पूरे यूट्यूब को नहीं बदनाम किया जा सकता। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे हमने नंबर दे रखा हुआ है, इनके जितने भी सुपरवाइजर जितने भी रिक्रूटर हैं सबका नंबर दे रखा है, तो 1 by 1 सब पे आप कॉल करना, अगर कॉल नहीं उठ रहा इनकेस तो आप व्हाट्सअप करें, अपना नाम नंबर लिख के भेजें तो श्योर है आपको जॉब मिलेगा। जॉब बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, पैसा नहीं देना। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो दान कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, एक नई नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।